हेलो फ्रेंड्स, इस 2024 में एक चीज तो पता चल रहा है कि एक्टर्स से ज्यादा एक्ट्रेस का जोर है। जैसे कि स्त्री 2 मूवी रिलीज हुआ था तो स्त्री 2 सिर्फ श्रद्धा कपूर का थोड़ा सा प्रेजेंस की वजह से इतना ज्यादा कमाई कर रहा है कि बड़ा बड़ा मूवीज का कलेक्शन। फिर से आलिया भट्ट का जिगर मूवी का ट्रेलर टीजर रिलीज हो गया है तो वो मैंने देख लिया है और उसका मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ कि जिगर मूवी में आपको क्या देखने को मिल सकता है और इस ट्रेलर से क्या पता चल रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। जिगर मूवी का ट्रेलर जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग का 30-40 सेकंड का एक क्लिप आता है जिसमें पता चल जाता है कि आलिया भट्ट का माँ का डेथ हो गया है और पापा सुसाइड कर लेते हैं, तो बस उनके पास एक भाई बचा है जो कि कहीं पर शायद कैद में है या कोई बड़ा प्रॉब्लम में फंस गए हैं। और आलिया भट्ट टारगेट करती है कि अब उसे कैसे भी करके अपना भाई को छुड़ा के लाना है। तो अब इसमें आपको भाई और बहन का कहानी देखने को मिलेगा, ये तो क्लियर हो गया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है ट्रेलर देख के कि इस मूवी में बस ये भाई बहन का कहानी लेके भाई कैद में है, बहन जाएगी छुड़ाने, बस यही लेके अगर ये मूवी है तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे होंगे। मूवी जिस तरीका से चल रहा है देख के आपको टीजर में समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन इसका कमाल का होने वाला है। जिस लोकेशन में है कुछ चाइना हांगकांग टाइप का या सिंगापुर भी हो सकता है, वैसा ही लोकेशन देखने को मिल रहा है और थोड़ा थोड़ा कोरियन वाला फीलिंग मेरे को दिया है। जो कि आप जिगर का पोस्टर देखिएगा, जैसे आलिया भट्ट खड़ी है पीछे ड्रैगन का ये आ रहा है, कोरिया वाला फीलिंग मेरे को लगा देखकर। आपको अगर लगा होगा वो कोरिया वाला फीलिंग प्लीज मेरे को कमेंट में जरूर से बताइएगा। और एक चीज, जैसे कि प्रोड्यूसर्स करण जौहर और भी बहुत जन है तो इस मूवी का प्रोडक्शन बहुत कमाल का होने वाला है। और आलिया भट्ट का इस मूवी में जो भाई का रोल कर रहा है उसे आपने नेटफ्लिक्स का द आर्चीज जो वेब सीरीज आया था उसमें देखा होगा, उनका परफॉर्मेंस उसमें भी बहुत अच्छा है और उन्हीं का एक गाना भी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। तो मूवी रिलीज होगा तो गाना भी रिलीज होगा जब आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मूवी के डायरेक्टर है वसंत बाला। वो मतलब जैसे कि आपने एक मूवी देखा होगा मोनिका ओ माय डार्लिंग, मोनिका ओ माय डार्लिंग जैसे कि आपको मालूम है कितना सस्पेंस और थ्रिलिंग मूवी था। तो अब पता लग ही रहा होगा कि जिगर मूवी भी कैसा होगा। जिगर मूवी अगर एक नॉर्मल लव स्टोरी होता या भाई का प्यार दिखाया जाता बहन के लिए, भाई बहन को बचा के ला रहा है, नॉर्मल रहता, मतलब देखा हुआ चीज है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट क्या आ रहा है कि बहन भाई को बचाने जा रही है, बहन का प्यार दिखाया जाएगा भाई के प्रति, मतलब मजा आने वाला है। बहन का जो एक मतलब पागलपन है अपने भाई को बचाने के लिए, अपना कैसे मतलब बचा के लाएगी अपने भाई को, तो वो मतलब अलग ही लगने वाला है देखने में। और एक चीज मुझे जो अलग लग रहा है देखकर इस ट्रेलर में कि ये मूवी सिर्फ भाई बहन का प्यार या बहन भाई को बचाएगी बस उससे ही उस पे ही लिमिटेड नहीं होने वाला है, और भी बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। और ये चीज हम लोगों को मूवी का रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। मुझे देखकर एक चीज तो लग रहा है कि ये बहुत सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस उड़ाने वाले हैं, बस रिलीज का इंतजार है। तो आज इस वीडियो में इतना ही बोलूंगा। जिगर का टीजर ट्रेलर गजब लगा मुझे, 100% ये ब्लॉकबस्टर होने वाला है मूवी। और आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस नो डाउट ऑलवेज टॉप नॉच होता है। बाकी इसका कोई और भी अपडेट मिलेगा तो मैं इस चैनल पर जरूर से दूंगा, तो इसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बोलूंगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।